सुंदर कृष्णा पैराडाइज, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कल आ गए थे वापस और अभी अगले जो है मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है मेरा। सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर आए थे। और कल कुछ शूट नहीं किया उसके बाद क्योंकि थकान हो गई थी। जर्नी चाहे कितनी भी छोटी हो ना, थकान हो ही जाती है। सो अभी मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ रिमझिम बादल को लेकर, आवाज़ सुनी होगी आपने। सो बस उसके बाद करूँगी मॉर्निंग का काम है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, ठीक है? चलिए मिलती हूँ आपसे बाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फूलों से। कनेर के फूल हैं, हर श्रृंगार के फूल हैं, जिसका पेड़ मैंने दिखाया था हमारे ट्यूबवेल पे है, और गुड़हल के फूल हैं। थोड़ा कवर में बंद थे इसलिए थोड़ा ऐसे लग रहा है, बट मेरे 2-3 दिन पूजा में चढ़ाने के लिए हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर यह बैग है, तो बैग में निकाल के सामान नहीं दिखाऊंगी, मिसलेनियस सामान है छोटा मोटा, और कुछ वेजीज है, अभी थोड़ा सा मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। एंड बहुत कुछ लाना चाहते थे बट नहीं ला पाए क्योंकि लाने ले जाने में दिक्कत होती है। सो यहाँ पे है वो नेनवा जो मैं आपको दिखाई थी ना पेड़ से, जो प्रियांशी और मम्मी जी तोड़ रही थी। ये काफ़ी फ्रेश था क्योंकि पेड़ से तोड़ा ही था जस्ट, बस रात भर वहाँ पे रहा था। उसके बाद जब मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। कोई भी सब्ज़ी हो अगर वो फ्रेश आप बनाए ना तो उसका जो टेस्ट होता है उसका तो कहना ही क्या, इस बात से तो आप एग्री करते होंगे। हमारे खेत के पहली फसल के बैगन, तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। मॉर्निंग में जब हम निकले तभी तोड़े गए थे ये, और कितने डिफरेंट कलर के आप देख सकते हैं। मुझे ये नहीं पता कि एक ही पौधे में से आए हैं या दो के, बट पूछूंगी मम्मी जी से, बट काफ़ी फ्रेश हैं तो उनको मैं अब कल बनाऊंगी, अभी तो काफ़ी थकान हो रही है। तो उसके बाद मुझे जाना था हाईकोर्ट, मेरा कुछ अर्जेंट काम था तो बस मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो सोचा थोड़ा सा व्यू शेयर कर दूँ, बाहर का व्यू शेयर नहीं किया क्योंकि रास्ते का व्यू काफ़ी बार मैं आपके संग शेयर कर चुकी हूँ, आई होप कि आपने देखा होगा। तो बस ब्यूटीफुल सा लगा और है तो खूबसूरत, शेयर कर दिया। तो जा रहे थे हम किसी से मिलने, एक्चुअली मेरे क्लासमेट हैं सो उनसे मिलने जा रहे थे, मुझे कुछ काम था और इसीलिए थोड़ा जल्दी भी आना पड़ा क्योंकि अर्जेंट काम था। और कुछ काम होते हैं ना वो उसी डेट पे करने होते हैं जब उनकी डेट होती है, उसको आप अपनी मर्ज़ी से घटा बढ़ा नहीं सकते। सो नीता दीदी ऑलरेडी यहाँ पर थी ही, और उसके बाद बस उनको भी मैंने बुला लिया था तो हम लोग मिलके गए थे, अपने जो जो भी काम था मेरा वो किया। और उसके बाद हम आ गए थे कैंटीन में, सब यहाँ पर हम पी रहे हैं चाय, और यहाँ का आलू का पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो बस वही खाया। उसके बाद घर आ गए थे। सो मैंने कुछ सब्जियां और ऑर्डर की थी बिग बास्केट से। तो ये है पोटैटो 1 kg मंगाए मैंने अभी, एंड 1/2 kg टमाटो क्योंकि थोड़े महंगे मिले हैं इसमें, बाकी सोचा मार्केट जाऊंगी तो वहां से लाऊंगी। ये मुझे 1/2 kg मिले हैं 18 rupees के। एंड ये कॉलीफ्लावर है, ये भी थोड़ा कॉस्टली है, सुना है कि मार्केट में 10-12 रुपये का मिल रहा है, बट ये मुझे मिला है देखिए इतना बड़ा सा 17 रुपये में। बिल्कुल नहीं था इसलिए मुझे लेना पड़ा। और ये है पीस, ग्रीन पीस, तो फटी गया तो खा ही देते, ये देखिए। एंड ये मुझे मिले हैं 32 rupees kg। एंड यहाँ पर हैं हमारे गाजर, ये मिले हैं मुझे 35 rupees kg। लेना पड़ा क्योंकि बिल्कुल नहीं था, और कभी कभी अच्छे दाम मिलते हैं और मैं ये ले आई हूँ अपनी 2 baskets ये सब रखने के लिए। तो यही है, एंड सामान अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कुछ ख़राब है तो रिफ़ंड भी कर देते हैं, एक्सचेंज भी कर देते हैं, जो कि मार्केट में नहीं होता है। बस अभी देख ही सकते हैं कितने दिन चलेगी ये, तो एक ही बार का हो जाएगा। टमाटर 3 बार चल जाएंगे, 2-2 करके अगर मैं डालूंगी तो, एंड पीस भी 2-3 बार हो जाएंगे, पोटैटो 3-4 बार, तो यही है। तो इसके पहले हमारे पास सिर्फ बैगन और नेनुआ था तो इसलिए ये सब सब्जी मुझे लेनी पड़ी, बेसिक है। और इसके साथ मैंने ली थी मेथी भी, और मैं आई थी टेरेस पे धूप सेकने, साथ में मैं कर रही हूँ मेथी को साफ। तो आप देख सकते हैं ये है मेथी, और ये मेथी मैं साफ करके रख रही हूँ ऐसे। सोचा कि समय का सदुपयोग भी कर लिया जाए तो बस इसीलिए। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। जब मैंने मेथी को काट लिया तो मैंने सोचा चलो आज इसको ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिप में देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ इस सीज़न के पहले मेथी के पराठे। तो बस मेथी को अच्छे से काट के धो के आटे में मिक्स कर लिया, थोड़ा सा नमक डाला है सिंपल, और क्योंकि साथ में सब्जी है इसलिए और कुछ मसाले नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी पानी, तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और एक हाथ से मैंने कैमरा मतलब मोबाइल को पकड़ रखा है इसलिए ऐसे ही मेरे को करना पड़ रहा है। तो चलिए मैं आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा ऑलमोस्ट मैंने गूंद लिया है। यहाँ पे अभी आटा है जो गूंद के रेडी हो गया है, अब मैं जा रही हूँ हैंड वॉश करने, उसके बाद बनाऊंगी पराठे। अब यहाँ पे मैंने सारी लोई जो है बना के रख ली हैं, और डस्टिंग के लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, मुझे अच्छा लगता है। एंड ये रही मेरी लोई और बेलन, तो अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑन,
और क्योंकि मुझे एक हाथ से ही बेलना है, तो मैं बेलने के बाद फिर जब पक जाएगा तब आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और ये कढ़ाई से रखी है क्योंकि ये जो ऑयल है यही मुझे यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा पराठा बेल चुका है और इसको हम तवे पे डाल देंगे। और मेरा ट्राईपॉड टूट गया ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है शूट करने में, इसलिए कुछ कुछ क्लिप्स ऐसे मुझे डालनी पड़ रही हैं, इसके लिए सॉरी। जब तक ये पराठा हमारा पकेगा तो हम दूसरी लोई जो है वो बेल लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने मेथी के पराठे बना के खाए कि नहीं खाए, और किसको किसको पसंद है। वैसे खाने ज़रूर चाहिए क्योंकि ये सीजनल सब्ज़ियाँ होती हैं और ठंड में मेथी के पराठे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा। आप चाहे तो उसको मसाले वाले भी बना सकते हैं, बट यहाँ मैं सब्जी के साथ खाने वाली हूँ इसलिए मैंने सिंपल रखा है, वरना इसमें आप और जो मसाले होते हैं ना वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ना मेरा जो तवा है वो इंडक्शन पे घूमता रहता है और ऑयल में बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ, बस उसको ऐसे ही दबा दबा के हम अच्छे से सेक लेंगे। सो जो भी वेजीज के पराठे होते हैं या फिलिंग वाले पराठे होते हैं उनको इस तरह से कलछुल से चमचे से दबा दबा के सेक लेना चाहिए हल्के हाथों से, और अच्छे से पक जाते हैं वो, थोड़े क्रिस्पी, मुझे तो थोड़े क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। तो उस तरह से ही मैं बना रही हूँ और उलट पलट के ब्राउन चिट्टी आने तक ना वो सेक लेंगे। कुछ लोगों को थोड़े हल्के पसंद आते हैं, मतलब थोड़े हल्के पके हुए, कुछ लोगों को थोड़े क्रिस्पी, मुझे थोड़े क्रिस्पी पसंद आते हैं। तो जब मैं बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं अपनी पसंद का ही बनाऊँगी। यहाँ पे हमारा दूसरा भी पराठा है जो वो बेल के हमने रेडी कर रखा है, तो इस तरह से हम अच्छे से दबा दबा के सेक लेंगे। एंड ये पराठा जितना हेल्दी है उतना ही देखने में भी अच्छा है, देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट हमारा पराठा रेडी हो गया है और इस मोमेंट पे ना इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बट आई थिंक कि सभी लोग खाते बनाते होंगे सबको पता होगा। सो बस थोड़ा जितना मुझे क्रिस्पी चाहिए था ये उतना हो गया है, तो अब मैं इसको उतार लूँगी तवे से। और सच में यार बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी और कुछ पत्तियाँ देख सकते हैं इतनी अच्छे से कट नहीं हुई थी, बट वो मुझे दिखने में ना काफ़ी खूबसूरत लग रही है, साइड में देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। सारे पराठे बन गए हैं और उस समय मेरे फ़ोन की बैटरी जो थी वो बिल्कुल चली गई थी, इसलिए तो यहाँ पे सारे पराठे बन गए हैं। मैंने इनको यहीं पे थाली से ढक दिया है और अब मैं बना लूँगी सब्ज़ी, इसके बाद मैं फिर अपनी थाली आपको दिखाऊंगी। ओके, तो हमारा खाना रेडी हो गया। पराठे तो मैं पहले आपको दिखा चुकी थी मेथी की, एंड यहाँ पे बनी है हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी, आप देख सकते हैं। और बस मैं थोड़ी देर में खाऊँगी, थोड़ा सा काम है इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको ये दिखा दूँ। तो बस यही है आज का मेरा डिनर। और इस तरह की आलू गोभी की सब्ज़ी मेरी मोस्ट फेवरेट है, रसे वाले भी मुझे अच्छी लगती है बट सूखी शायद मुझे ज़्यादा पसंद है शायद। हाँ, मुझे सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है आलू गोभी की, और आलू गोभी मेरे ऑल टाइम मोस्ट फेवरेट है बचपन से। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक घड़ी ऑर्डर की थी वॉल क्लॉक, क्योंकि जो पहले वाली थी वो हमें फॉर सम रीज़न डिस्कार्ड करनी थी, तो यहाँ पे एक हमें डिज़ाइन पसंद आई तो हमने सोचा चलो इस बार थोड़ा डिज़ाइन के लेकर देखते हैं। बट वो फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो हमें रिटर्न करनी पड़ी, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि काफ़ी अच्छी डिज़ाइन थी, सो सोचा आपके संग शेयर कर दूँ, तो इसको देखिए आप। और इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेरे सभी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड। और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।